भारतीय टीवी चैनल की नवीन प्रस्तुति झनकार खनक घुंघरुओं की एक प्रयास है कथक नृत्य की बारीकियों को दर्शकों तक लाने का। डॉक्टर भावना ग्रोवर जो कि स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में परफॉर्मिंग आर्ट विभाग में नृत्य का प्रशिक्षण देती हैं, दर्शकों को कथक में निपुण बनाने में सहयोग देंगी। डॉक्टर भावना ग्रोवर एक सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। उन्होंने गुरु गिरीश गुप्ता जी, पद्म भूषण पंडित उमा शर्मा जी, डॉक्टर पुरुदी जी और श्रीमती शशि सांखला जी से नृत्य की शिक्षा प्राप्त की है। इस कार्यक्रम में भावना जी का साथ तबले पर देने के लिए विलायत हुसैन जी हैं, जो कि गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज में संगीत के शिक्षक हैं। साथ ही जाने माने पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली व म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन के साथ काम कर चुके हैं। और सितार पर साथ देंगे डॉक्टर शैल शर्मा जी, जो कि स्वरांचल म्यूजिक स्कूल की डायरेक्टर हैं। साथ ही आपने 2 साल आकाशवाणी में बेहतरीन म्यूजिक कार्यक्रम दिए, वहीं कई नारी शक्ति सम्मान आप पा चुकी हैं। झनकार के पिछले एपिसोड में आपने देखा दोनों करेंगे दो आप। देखते हैं भावना जी आज कथक नृत्य की कौन सी बारीकियां सिखा रही हैं। नमस्कार, आज मैं और अनुभव फिर से आपके साथ हैं कथक की कुछ और बारीकियां सीखने के लिए। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ और टुकड़े कथक के, जो नृत्य के बोलों पर आधारित हैं, जिसमें ता थे आदि बोलों पर ही बुने हुए कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिसमें कुछ चक्कर के प्रकार हैं, कहीं कुछ हस्तक हैं। इन्हीं की प्रस्तुति के साथ मैं आज आपके साथ उपस्थित हूँ। मैं आपको बता रही हूँ एक छोटा सा टुकड़ा, तत तत थे तिगधा दिग दिग थे, तत तत थे तिगधा दिग दिग थे, दो बार बिल्कुल एक सा, तत तत थे तिगधा दिग दिग थे, तत तत थे तिगधा दिग दिग थे। इसके उपरांत ले आधी होगी और बोल बदलेगा, तत तत तिगधा तत, दोनों को हम जोड़ के करेंगे। अनुभव, दोनों को जोड़कर हम एक बार करेंगे, चलिए। तत तत थे तिगधा दिग दिग थे, तत तत थे तिगधा दिग दिग थे, तत तत तिगधा तत। अंत में एक छोटी सी तिहाई जुड़ेगी, तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे। ये है 5 पैर के चक्कर, जो हम 3 बार करेंगे। मैंने आपको शुरू में कुछ भ्रमरी के प्रकार बताए थे, यानी चक्करों के प्रकार बताए थे, उसी में से सबसे पहला 5 पैर का चक्कर हम 3 बार करेंगे इसी के साथ जोड़कर। तो अब मैं पूरा टुकड़ा आपको करके बताती हूँ, अनुभव मेरे साथ करेंगे, देखिए। तत तत थे तिगधा दिग दिग थे, तत तत थे तिगधा दिग दिग थे, तत तत तिगधा तत, तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग ता। चलिए अब मैं आपको इसी को लय के साथ बताती हूँ, 3 ताल के मध्य लय में लहरे के साथ। ता थे ता आ
बहुत ही आसान छोटा सा टुकड़ा है, आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब आप मेरे साथ एक बार करेंगे, फिर से मैं एक बार लय में करती हूँ, अब आप मेरे साथ कीजिए। सा हम शुरू करेंगे टुकड़ा जिसके बोल हैं तत तत थे तिग धा दिग दिग थे। तत तत थे हम किस प्रकार करेंगे? पहले हस्तक के साथ तत तत थे तिग धा दिग दिग थे। आपको पता है तिग धा दिग दिग थे, पांच पैर का चक्कर तिग धा दिग दिग थे। हम दोनों को जोड़ देंगे, अनुभव मेरे साथ कीजिए। अब हम दोनों को जोड़कर करेंगे तत तत थे तिग धा दिग दिग थे। एक बार किया, इसी को हम दोबारा करेंगे तत तत थे तिग धा दिग दिग थे तत तत थे तिग धा दिग दिग थे। अब लय थोड़ा सा घटेगी और उसके बाद होगा तत तत तिग धा तत। ये एक नया बोल है आपके लिए। तिग धा तत में हम तीन पैर लेंगे तिग धा तत और हस्तक तिग धा तत। अनुभव मेरे साथ कीजिए तिग धा तत तिग धा तत। पूरे को जोड़कर करते हैं एक बार, चलिए तत तत थे तिग धा दिग दिग थे तत तत थे तिग धा दिग दिग थे तत तत तिग धा तत। अब किसी भी टुकड़े का जब हम अंत करते हैं तो उसके मूल बोल के साथ एक तिहाई जोड़ देते हैं। जैसे इसके अंत में तिहाई होगी, ज्यादातर चक्कर की तिहाइयां होती हैं, जैसे इसमें होगी तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे ता थे। तिहाई के लिए मैंने आपको बताया था धा सहित एक बोल जो पूरा पूरा हम तीन बार करते हैं। तो तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे ता थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे ता थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे ता थे। तो ये इस टुकड़े के अंत में तिहाई जुड़ेगी। अब मैं पूरा जोड़कर जितना मैंने शुरू से सिखाया उसको जोड़कर करती हूँ, अनुभव मेरे साथ करेंगे। अनुभव आपको टुकड़ा समझ में आया है? चलिए अब हम शुरू करते हैं लय के साथ। एक बार मैं आपको लय में बोलकर बताऊंगी, फिर प्रस्तुत करके। थे ता ता थे थे ता त आ थे थे ता तत तत थे तिग धा दिग दिग थे तत तत थे तिग धा दिग दिग थे तत तत तिग धा ता तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे ता थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे ता थे थे ता। अब मैं प्रस्तुत करकर बताऊंगी आपको, अनुभव मेरे साथ करेंगे, मेरे साथ आप भी करेंगे। चलिए ता थे आ थे थे ता ता उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत ही आसान से ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। आपने यही सब हस्तक सीखे हैं जिन्हें मैं जोड़कर आपको टुकड़ों के रूप में दिखा रही हूं। एक बार फिर आप मेरे साथ करेंगे, चलिए
ता हे 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 ता ता हे आ हे हे ता 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 हे ना दिख दिख हे ता ता हे ता ता दिख ता ता दिख ना दिख दिख हे ना दिख दिख हे ना दिख दिख हे हे ता हे दिख ना दिख दिख हे इसके बाद ज्यादातर टुकड़े कथक में जोड़े के बोलों पर चढ़ते हैं, जैसे जोड़े के बोल एक से ही बोलों के, उसमें कुछ बोल की लय भिन्न हो जाएगी, कुछ तिहाई भिन्न हो जाएगी, सम पर आने का प्रकार भिन्न हो जाएगा। एक और टुकड़ा ऐसा ही बताती हूँ, टुकड़ा है तत तथे तिगधा दिग दिग थे तत तथे तिगधा दिग दिग थे, बिल्कुल पहले टुकड़े की भांति है ये। उसके उपरांत थोड़े से बोल बदलेगा, ताथे थे ता ताथे थे तत, ये शायद चौथा हस्तक था आपका, ताथे थे ता ताथे थे तत, इतना जोड़कर हम करेंगे। चलिए अनुभव, तत तथे तिगधा दिग दिग थे तत तथे तिगधा दिग दिग थे ताथे थे ता आथे थे तत। उम्मीद करती हूँ इतना तो समझ आया होगा। आगे चले, इसके बाद एक पैर देखिए, हम तिरछा पहले हस्तक के साथ आगे बढ़ेंगे। उस चाल को देखिए, हम साधारण तौर पर जब हम तत तत करते हैं, तत तत हम ये लगाते हैं, क्या करते हैं तत तत, लेकिन अब हम इसे गति में करें तो बढ़ते हुए करेंगे तत 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 तत। अनुभव मेरे साथ कीजिए, तत 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 तत, तिरछा बढ़ना है हमें। अब जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं ठीक उसी तरफ तत तत समाप्त होगा, जैसे तत 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 तत। अनुभव एक बार और करेंगे हम, देखिए तत 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 तत। मैंने यहां तक सिखाया, इसी को हम पहले जोड़कर एक बार प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अनुभव, तत तत थे तिगधा दिग दिग थे तत तत थे तिगधा दिग दिग थे ताते थे ता आते थे तत 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 तत। ये चार हस्तक मैंने आपको बताए पैरों के साथ, अब वही पिछले टुकड़े की तरह जैसा कि मैंने बताया मूल बोल के साथ एक तिहाई बनती है जो टुकड़े को समाप्ति की ओर यानी सम की ओर लेके जाती है, अपने घर की ओर लेकर जाती है। इसकी तिहाई है तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे ता तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे ता तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे ता। तो इस तिहाई से ये टुकड़ा यहाँ समाप्त होगा। मैं आपको पूरा टुकड़ा एक बार प्रस्तुत करके बताती हूँ, अनुभव मेरे साथ करेंगे, उसके बाद दोबारा में आप भी मेरे साथ करेंगे। चलिए, ता थे थे ता ता, एक बार बोलती हूँ, ता ता थे तिगधा दिग दिग थे ता ता थे तिगधा दिग दिग थे ता थे थे ता आ थे थे ता 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 आपको यही लय के साथ प्रस्तुत करके बताऊंगी। देखिए, ता हे हे ता हे हे ता ता हे आ हे हे ता 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 हे तिगधा दिग दिग थे ता ता हे तिगधा दिग दिग थे ता दे ता आ दे ता 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 तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे दिख। अब
एक बार आप मेरे साथ यही टुकड़ा करेंगे। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ आया होगा। एक चीज और हम ध्यान रखेंगे, जब भी हम जो भी टुकड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जैसा हस्तक में किया था, हम हर एक तरफ जहाँ भी हाथ जा रहा है उसको हम देखते जा रहे हैं, यही हम टुकड़े में करेंगे। हाथों की तरफ देखना, सम जहाँ है उसकी तरफ नजर बनाना, ये हम करेंगे। तो ये हुए नृत्य के बोलों पर आधारित मध्य लय के टुकड़े। अभी तक मैंने ये जो तीन टुकड़े आपको बताए भिन्न भिन्न प्रकार के, अब हम तीनों को एक साथ करेंगे, आप भी मेरे साथ करेंगे। चलिए, ता थे थे ता आ थे थे ता ता थे आ तत तत थे दिखा दिख दिख थे तत तत थे दिखा दिख दिख थे ता ता दिखा दिख दिख थे दिखा दिख दिख थे दिखा दिख दिख ता तो आज आपने मेरे साथ सीखे नृत्य के बोलों पर आधारित ये छोटे छोटे से टुकड़े। आज मैं यहीं समाप्ति की ओर जाती हूँ। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे कुछ और टुकड़ों के साथ, कुछ पर्णों के साथ, कुछ पैरों के काम के साथ, कुछ नए हस्तकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम झनकार खनक घुंघरुओं की आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अगले एपिसोड में कथक नृत्य से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम से जुड़े सुझाव देने के लिए टाइप करें SUTV अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना सुझाव और उसे भेज दें 56161 पर। सुभारती।